अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके सामने लेकर के आई हूँ बहुत ही ज़्यादा टेस्टी, डिलीशियस, बहुत ही ज़्यादा कोजी, कंफर्टेबल सी ये सूप की रेसिपी। ये एग सूप है, यानी हमने इसमें थोड़ा एग भी शामिल किया है, तो इसको वेज सूप तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन इसमें ढेर सारे वेजिटेबल्स हैं। आइए देखते हैं इसकी रेसिपी। तो सबसे पहले तो यहाँ पे पैन में मैंने ना घी डाल दिया था। आप चाहे तो घी की जगह पे बटर या रिफाइंड ऑयल भी इसमें यूज़ कर सकते हैं। घी से भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है और बटर से भी। तो सबसे पहले तो मैंने यहाँ पे बटर इसमें शामिल कर दिया था। उसके बाद ना बारी है इसमें बारीक कटे हुए लहसुन और बारीक कटी हुई अदरक की, वो भी मैंने इसमें शामिल कर दिया है। अभी इसको तकरीबन हाफ मिनट के लिए सॉटे कर लेंगे। अदरक लहसुन हमारे सॉटे हो गए। यहाँ पे मैंने डाल दिया है एक अदद अनियन। अनियन को ना अगर आप स्प्रिंग अनियन यूज़ करें तो वो भी बेटर है, तो मेरे पास अवेलेबल नहीं थी तो मैंने ये ही वाली अनियन डाल दी है इसमें। इसको भी तकरीबन हाफ मिनट के लिए सॉटे कर लेंगे। सूप में ना जितनी ज़्यादा वेजिटेबल्स होगी उतना ज़्यादा बेनिफिशियल होगा और साथ में टेस्टी भी। मैंने यहाँ पे ढेर सारी वेजिटेबल्स जैसे कैरेट, कॉर्न, कैप्सिकम कट कर लिया था, और अभी अनियन के सॉटे होते साथ ही मैंने यहाँ पे सारी वेजिटेबल्स शामिल कर दी हैं। अब इसको भी हम तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए सॉटे करेंगे। तकरीबन 3 मिनट के लिए वेजिटेबल्स को सॉटे करने के बाद यहाँ पे मैंने डाल दिया तकरीबन 1/2 टेबल स्पून सॉल्ट। इसे अच्छे से हम मिक्स कर देंगे। सॉटे तो हमने कर लिया है, लेकिन अभी ये वेजिटेबल्स कुक नहीं हुई, तो मैंने इसको कवर करके तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए कुक कर लिया था। इस दौरान फ्लेम बिल्कुल लो पे रखनी है। तकरीबन 3 से 4 मिनट हो गए हैं और अभी यहाँ पे हमने कैबेज इसमें शामिल कर दिए। वेजिटेबल्स तकरीबन 10% कुक हुई हैं और अभी इसमें पानी शामिल करके हमें बाकी इसको 80% 90% कुक कर लेना है। इसमें कुछ मेन सॉसेस डालने की। यहाँ पे मैंने लिया है डार्क सोया सॉस, लाइट सोया सॉस भी डाल सकते हैं तकरीबन 1 टेबल स्पून के करीब, ताकि इसका लुक थोड़ा अच्छा आ जाए। तकरीबन 1 टेबल स्पून के करीब मैंने विनेगर भी इसमें शामिल कर दिया है। अब बारे इसमें थोड़े से स्पाइसेस ऐड करने की। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा गोल मिर्च पाउडर डाला, तकरीबन 1/2 टीस्पून मैंने यहाँ पे गोल मिर्च पाउडर शामिल कर दिया है। इसको ना अच्छे से हम शिमर आने तक के कुक होने देंगे और वेजिटेबल्स को भी अच्छे से कुक होने देंगे, ताकि हमारे सूप में जो कैरेट है, कॉर्न है और बाकी जितनी भी वेजिटेबल्स हैं वो अच्छे से कुक हो जाए। उसके बाद मैंने यहाँ पे डाल दिया तकरीबन 1 टेबल स्पून के करीब कॉर्नफ्लावर। इसको पानी में अच्छे से घोल के इधर मैंने इसमें शामिल कर दिया है, और कंटिन्यूसली इसको स्टर करना है ताकि इस पर लम्स ना पड़े और हमारे सूप को ये अच्छी थिकनेस प्रेजेंट करे। सबको गाढ़ा होने तक के कुक करेंगे और बस स्टेयर करते रहेंगे, ताकि इसमें कोई भी लम्स ना पड़े और हमारे जो थिकनेस है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए। एट दिस
इस पॉइंट आप देख सकते हैं कि सूप कितना थिक हो गया है। अभी हमें डालना है एक फिटा हुआ अंडा, तो मैंने पहले से ही यहाँ पे एग को अच्छे से बीट करके रख लिया था साइड में, और अभी बारी है इसको मैं जल्दी से इसमें डाल के ना बिल्कुल अच्छे से हमें स्टेयर करते रहना है ताकि इसमें बिल्कुल भी लम्स ना पड़े और सारा जो एग है वो एक जगह ना इकट्ठा हो जाए, तो पूरे सूप में उसका फ्लेवर आए। माशाल्लाह हमारा सूप बन करके रेडी हो गया, बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त है ये सूप, विंटर्स के लिए सबसे ज़्यादा बेस्ट है। तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, मम्मी को बहुत अच्छा लगा है। आपको कैसा लगा वीडियो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को ऑन करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।